Good morning. Thank you. The prime and most important reason of losses is lack of knowledge. है ना? और lack of knowledge का क्या मतलब है? अब जिस age में हम लोग हैं, जिस bracket में हम लोग हैं, we cannot afford to read so many books. है ना? बहुत लंबी लंबी thesis तो नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबी लंबी किताबें नहीं पढ़ सकते कि candlesticks कैसे form होती हैं, जापानीज कैंडल्स कैसे बनती हैं. और अगर पढ़ना है टाइम में तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है. बट कम से कम किसी के पास भी आज मेरे हिसाब से जिस एज ब्रैकेट में हम लोग हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी थ्योरी करें और बहुत लंबी लंबी थ्योरी वाले कोर्सेज करके बैठें. करेक्ट है ना? हम लोगों को क्या चाहिए? क्विक. कोई ऐसा स्ट्रेटजी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ हमें एग्जैक्टली कुछ मिल जाए. जिसने कैंडल स्टिक बनानी थी मेहनत करके उसने बना दी, जिसने मूविंग एवरेज के पीछे फॉर्मूला लगाना था लगा दिया, है ना, जिसने स्टोकेस्टिक बनानी थी बना दी. हम उसको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए हमारी, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ स्टोकेस्टिक का इस्तेमाल करना है तो कब करना है ना. मैं हमेशा बोलता हूँ कि चार्ट लेगर है, चार्ट अपने आप में ही लेगर है. जो लोग ये सोचते हैं कि चार्ट के बेस पर ट्रेडिंग हो ही सकती है, वो आधे ज्ञान में लटके रहते हैं. क्योंकि कभी भी मालूम नहीं होता कि जो ग्रीन कैंडल बनी है, अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी रेड बनेगी. ये सुनो, हम ऑप्शन चेन की हेल्प से ये कोशिश करेंगे कि एंट्री और एग्जिट के जितना नज़दीक जाने की कोशिश करें. हम भगवान नहीं है, ना ही हम भगवान बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. तो कोई चमत्कार नहीं है, बट हाँ हमारी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 90-95% होगी. चलेगा? यस और नो? है ना. 5% छोड़ देंगे लॉस बुक करके ट्रेंड बदलने के लिए, क्योंकि अगर लॉस बुक करके ट्रेंड नहीं बदला, हम तेज़ी में बैठे हैं और बाजार में मंदी आ गई, और मुझे अगर छोटा मोटा लॉस बुक करके अगर यू टर्न लेना है तो लेना ही ना. कोई भी थ्योरी खराब नहीं है, कोई भी स्टडी थ्योरी खराब नहीं है, किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ही होगा, है ना. हम सिंपल तरीके से लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कुछ पॉसिबल है या नहीं है. चलेगा? एक एक्सपायरी कम से कम आप पेपर ट्रेड जरूर करेंगे. पेपर ट्रेड चाहे आप बिना ट्रेड डाला पेपर पे करो, या बहुत सारी एप्लीकेशन से वहां करो, ठीक है, या असल ट्रेड करो बहुत छोटी क्वांटिटी से. हार्ट बीट का कनेक्शन जरूरी है ना ट्रेड के साथ में, तो कम से कम 10 शेयर या 20 शेयर, जो भी बेयर मिनिमम. अगर किसी को लगता है मैं 100 में काम करता हूँ मिनिमम, तो आप 100 पकड़ो. आपको लगता है मेरा मिनिमम 1000 हो सकता है, मेरे पास इतना पैसा है, आप मिनिमम 1000 पकड़ो. जिसका मिनिमम 10 शेयर का है 10 शेयर पकड़ो, 5 शेयर का है 5 पकड़ो, 1 शेयर का 1 पकड़ो. पर कम से कम 20 दिन वो डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए. चलेगा? तो आपको ये देखना है कि मैंने वो जितने भी शेयर पर काम किया है उसमें एग्जैक्टली मैं कितने पॉइंट कमा पा रहा हूँ. क्योंकि अगर आप 10 शेयर पर रोज 10 पॉइंट कमा पा रहे हैं तो 100 पे भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी थ्योरी सही है और आपकी प्रैक्टिस सही है. क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगले महीने 10 को 20 करना है, 20 को 50, 50 को 100. अगर ये 4 महीने की आदत डाल ली ना, जो भी आपकी क्वांटिटी है, 100 को 200, 200 को 400, 400 को 800, या 1000 को 2000, जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, पर हर 3 से 4 महीने इस तरीके से प्रैक्टिस वाले ट्रेड करने हैं, असल ट्रेड. इससे आप लोगों को ट्रेड करने से जो डर लगता है ना, डर है, कितने लोगों के मन में डर है ना. जो लोग नहीं बता रहे मुझे पता है वो भी डरते हैं ट्रेड लेने के बाद. एक बार की पता नहीं, हे भगवान आज बचा लेना, है ना. तो ये डर उससे निकल जाएगा. छोटी क्वांटिटी होगी, छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, तो कम से कम गलती फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी. क्या होगा? गलती होगी, ट्रेड गलत क्यों हुआ, देखो मेरी थ्योरी क्या थी, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कैसे प्रैक्टिस करनी थी, मैंने कौन सा रूल तोड़ा होगा. रूल टूटेंगे, हमने पढ़ा है रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत है, हमें पता है हेलमेट नहीं पहनेंगे गिरेंगे तो सर फटेगा, पर फिर भी कोशिश तो करते हैं ना शक्तिमान बनने की हम लोग. वो जब चोट लगती तब कहते हैं अपने बेटे को, बोलते बेटा मुझे चोट लगी थी, तू मत हेलमेट उतारना. तो हमें अब चोट नहीं खानी, हमें पता है लोगों ने चोट खा ली है, हमें खाली प्रैक्टिस करनी है. बिल्कुल एक पेपर ट्रेड और एक एक्चुअल ट्रेड, जो भी आप करना चाहें, एक डिसिप्लिन से कम से कम एक एक्सपायरी जरूर करेंगे. एक एक्सपायरी के बाद उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी एक्सपायरी में, तीसरी एक्सपायरी, चौथी एक्सपायरी. आप देखेंगे चौथे महीने तक आते आते आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है. तो कौन आना चाहेगा अपना फीडबैक देने के लिए, जेन्युइन फीडबैक? बताइए किससे स्टार्ट करें. हाँ आइए ना प्लीज, द पॉडियम इज ऑल योर्स. कौन आना चाहेगा प्लीज आओ, नहीं तो मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास. ठीक है. जी जी सर, मैं फर्स्ट टाइम कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑप्शन चैन या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अभी तक पूरी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी इजी ऑप्शन चैन, और जो मार्केट में अफवाह थी कि ऑप्शन चैन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो अभी फ़िलहाल तो सारे के सारे हट गए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे तो 100% ऑप्शन चैन से ही कुछ सब कुछ बनाऊंगा. तो अभी और ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, मुझे लगता नहीं, लेकिन अपडेट करने के लिए कभी ऐसा लगा तो फिर डेफिनेटली
फिर कभी आएंगे. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मेरा नाम कमल कुमार है और मैं करीबन 16 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ. और ऑप्शन चेन मेरे लिए सेकंड नंबर पर है, लेकिन अभी के क्लास के अंदर जो हमारे सर हैं विपुल कौशिक जी, उनकी ऑनेस्टी मेरे लिए फर्स्ट नंबर पर है. क्योंकि अभी जो यूट्यूब का जो ज़माना है उसके अंदर इतने फेक लोग आपको जो मिसगाइड करते हैं, और आप एक यूट्यूबर को देखो और दूसरे को देखो तो फिर आपको पता चलता नहीं कि क्या करें. ऐसी परिस्थिति में आपने कम खर्च के अंदर जो आंकड़ों का गणित है पूरा, जो समझने के लिए हर कोई चाहता था कि इसको कैसे हम अंडरस्टैंड करें, तो यूट्यूब पर भी लोगों ने खोजा लेकिन उसकी की मिली नहीं है. यहाँ पर जो आए हैं वो आपके नाम से ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ फाइंड करके, लेकिन उनको नहीं मिला, बाद में आए हैं. और आपकी आपने ऑनेस्टी से बहुत ही जो मैथमेटिक्स है उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, और बिल्कुल गांव के लोगों को भी ऑप्शन चेन कैसे सीखा जाए, क्या बात है, वो आपने दिखाया है. उसके लिए मैं आपको बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू. मजा आ गया, मजा आ गया. और जितने भी लोग अगर ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो सर का कांटेक्ट करें. यूट्यूब पर से आप सीखने वाले नहीं हो, ये पक्का है एकदम. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. स्वागत हो जाए, जो भी आता है उसका स्वागत कर सकते हैं ना. थैंक यू. ये फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे घर में खाना बनता है ना, तो घर में खाना बनाने वाले को अगर ना बताओ खाना कैसा बनाया, तो वो फीडबैक उसको अगर जाएगा ना तो खाना नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनता है. करेक्ट. मैं वैसे तो 95 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब तक पता नहीं था मैं वो इंडिकेटर वगैरह वो कुछ जानता नहीं था, जितना सीखा नहीं था तब अच्छा कमा रहा था. अब सब कुछ जानने के बाद अब बहुत कम ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन वो ऑप्शन चेन का जब से मैं यूट्यूब में साहब से देख रहा हूँ वो वीडियो, तब से उसकी लगन लग गई थी कि, लेकिन मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद ये पता चल गया तो ये तो इजी, ये ऑप्शन चेन देखना इजी है. लेकिन समझ में आ गया तो पता चला, वरना मैं अपनी हिसाब से ऑप्शन चेन देख रहा था लेकिन इतना कंफर्मेशन नहीं हो रहा था. हाँ, रेंज पता चलती थी कि यहाँ तक ऊपर जाएगा और यहाँ तक ये इसका बॉटम है, बड़ी रेंज पता चलती थी कि ये यहाँ तक निफ्टी यहाँ तक जाएगा और नीचे यहाँ तक आएगा, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक आएगा, लेकिन वो किस तरह से देखना चाहिए वो भी अभी कहाँ तक पहले कहाँ जाएगा वो पता नहीं चलता था, लेकिन ये यहाँ आने के बाद ये पता चल गया कि ये यहाँ ही जाएगा पहले. क्या बात है, करेक्ट. तो ये इतने सालों के बाद सीखा हूँ कि ऑप्शन चेंज क्या हो सकती है और वो क्या दे सकती है हमें क्या कमा के दे सकती है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. प्लीज प्लीज. यस सर, एक्चुअली मैं इसमें नया हूँ स्टॉक मार्केट में, मुझे जस्ट 5 months ही हुए हैं. मैंने काफ़ी वीडियो देखे, आई गेस हम सभी लोग करते हैं वो चीज़, और काफ़ी लोग ये मतलब बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी अच्छी होती है या मैं जो सिखा रहा हूँ वो आप उसको फॉलो करो तो वो अच्छा होगा. मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ या किस में जाऊँ, तो मेरे पास ये सर के मैं वीडियोज़ मैं कंटिन्यूस देखता था यूट्यूब पर और उनको फॉलो भी करता हूँ, तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे ये एक ऑप्शन है मेरे पास जो मतलब चैन दे सकती है. हाँ, तो मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके फिर इनका पे किया और आज मैं ये ऑप्शन चेन का सेशन अटेंड करने आया हूँ. क्या लग रहा है ये, तो लग क्या रहा है, जो पैसे इन्वेस्ट हुए खराब हो गए या सही जगह इन्वेस्ट हो गए? डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि मैं जो पैसे वो तो चलो क्योंकि लर्निंग की कोई फीस नहीं होती है, डेफिनेटली हम जितना सीखे वो कम है, लेकिन इससे मैं डेफिनेटली आगे काफ़ी कुछ कर पाऊंगा. और थैंक्स टू सर कि आप यहाँ आए और हमारे को चांस मिला. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. लवली सर, मैं 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हफ्ते में एक बार पैसा कमाता था कोई भी एक स्टॉक में. मेरे दोस्त ने देवेंद्र सिंह ने मुझे बताया कि आप वीडियो देखिए विपुल भाई के, वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ होगा इसमें. मैंने आपने जाना नहीं था मैंने आपको, लेकिन उसके बताने से भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ होगा वहाँ पे. तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मैं हर रोज़ पैसा बनाऊँगा.
थैंक यू सर, मजा आया। थैंक यू। पिछले 15 साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पिछले कुछ महीनों से काफ़ी कोई अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता हूँ। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, तो मैं हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता था। तो ये जो लॉजिक है आज जो विपुल भाई ने बताया, तो विपुल भाई को विपुल ज्ञान है और वो बिल्कुल शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से ऑप्शन चेन और चार्ट्स इसका जो मैचिंग करके हमको कहाँ पे क्या ढूंढना है और कहाँ पे ऑप्शन चेन के पास विचारणा करनी है या वहाँ पर जाके का एक कन्फर्मेशन लेना है, वो जो स्टाइल है वो शायद ही कोई पढ़ाता है। मेरे को तो कोई मिला नहीं। मैंने बाहर की भी काफ़ी ट्रेनिंग किया, मतलब इंडिया के बाहर का भी ट्रेनिंग किया है, लेकिन मुझे ये जो स्टाइल है इनका कि ऑप्शन चेन और चार्ट का कॉम्बिनेशन लेके ट्रेड करना, तो ये जो है मुझे एक हिंदी फिल्म का गाना रहा कि इशारों को अगर समझो राज को राज ही रहने दो। तो ये जो ऑप्शन चेन के जो इशारे हैं या ये चार्ट की जो कैंडल के इशारे हैं, ये विपुल भाई समझा सकते हैं। थैंक यू विपुल, थैंक यू लवली। दसवीं से आगे पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आज यहाँ ऐसा कुछ पढ़ के जा रहा हूँ कि अगर पढ़ा होता तो भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ आके कुछ ऐसा कर सकता हूँ। अभी जो मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी के सभी राकेश झुनझुनवाला है। क्या बात है। मेरा नाम मनीष पुरोहित है और मैं सर को पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उसका पहला एक वीडियो मैंने देखा था आपका, 5-8-13 का कुछ आपने VAP दिया था, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी स्ट्रेटजी यूट्यूब में कहीं देखी, लेकिन आपके जैसा जो ऑप्शन चेन है क्या है वो समझना था। हम जो मैं और मेरे जो दोस्त है वो करते थे तो वो पूरा उल्टा करते थे। मतलब हमको जहाँ पे एग्जिट करना होता था हम वहाँ पे एंट्री करते थे। सबके साथ होता है। हाँ जी। और जब भी हमको लॉस काटना है तो हम ऐसा बोलते देखते हैं कैसे जाता है नीचे। तो वो पूरा मतलब जीरो हो जाता था ऑप्शन। मतलब हमने 15 पे लिया, 50 पैसे 1 रुपये में काटे, ऐसा होता था। फिर हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं सर का ही एक बार अटेंड करना है। लेकिन जॉब की वजह से अहमदाबाद आए थे आप, तभी मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन टाइम नहीं मिला था। तो मतलब आज जो सीख के जा रहा हूँ डेफिनेटली मैं ऐसा बता सकता हूँ कभी कभी भी लॉस में नहीं रहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम किरण परमार है और मैं पुलिस में जॉब करता हूँ और ये 3 साल से मैं मार्केट में काम करता हूँ और पिछले 8 महीने से ऑप्शन में काम करता हूँ। और ऑप्शन में काम करने के बाद दूसरा तो कुछ पता नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि कॉल लो और ऊपर जाए तो बेचो, नीचे जाए तो ऐसा, बस ऐसा कुछ स्ट्रेटजी। कहाँ लेना है कुछ मालूम नहीं था। नहीं कुछ नहीं मिला, बस वीडियो देखे उसके, उसको देख देख के सब किया था। अभी आज आपका जो सेमिनार हमने अटेंड किया उसके बाद अब तसल्ली हो चुकी है कि अब कभी लॉस नहीं होगा। क्या बात है। बस अभी तक मुझे लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैसा इतने 3 साल तक पड़ा रहा वही मेरा लॉस है। मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, वो ग्रो नहीं किया था, वो उधर के उधर ही रहा। और आपका आज सेमिनार अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी दो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपको जो HDFC बैंक आज से 10 साल पहले जो भाव पे मिल रहा था वो आपको अभी विपुल कौशिक सर दे रहे हैं। मतलब जो समझते हैं वो समझे कि 10 साल पहले जो HDFC बैंक बोलता था वो अभी आप विपुल कौशिक सर दे रहे हैं। मतलब थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा नाम विपिन है और मैंने 2-3 कोर्स किए हैं, मगर उनमें क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। जो ऑप्शन में पुट या ITM OTM वो सब पता चल रहा था, मगर कहाँ पे कौन सा बाई करना है, क्या स्टार्ट कहाँ से होना है वो नहीं पता चल रहा था, और एंड कहाँ पे होना है वो नहीं पता है। इससे क्या है लॉस होता था फिर थोड़ा प्रॉफिट होता है और बैलेंस मतलब हो जाता था। आज आपकी जो क्लास हुई सच में ही आइडियल का क्लास हुई मेरी, मजा आया और पूरा मजा आया। और उससे मेरा जैसा लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन चेन बहुत डरावनी चीज़ है, बहुत सिंपल। सुबह हमारी बात हो रही थी मेरे जो दोस्त है ना उनके साथ ही, तो एक सॉफ्टवेयर दिखा रहे थे और उसमें FII DII सब डेटा दिखा रहे थे, इतनी बाइंग इतनी सेलिंग वगैरह। मैं बोला इतना सब याद रखेंगे तो दूसरा काम क्या करेंगे फिर जी। कुछ तो सिंपल होना चाहिए ना। तो फिर मुझे कॉन्सेप्ट में था कि आप क्या सिखाने वाले, फिर इधर आए तो कुछ आया ही नहीं। FII DII जो भी बाई करे वो अपने को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो पुट और कॉल का वो निकाल के बैठ जाने का है और उसमें से ही सब
कुछ निकालना है सब ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, सब ऑप्शन चेन में से ही मिल जाएगा, सारी एफआई की पोजीशन हो गई है सब वही मिल जाएगा, बस उसमें से ही करने का है, अपने को कुछ देखना नहीं है, बराबर सिंपल हो गया, सिंपल एकदम सिंपल हो गया, बच्चों का खेल हो गया, नहीं हुआ बस बच्चों का खेल हो गया है बराबर, तो बहुत बढ़िया, आप मेरे को दिल से मतलब थैंक यू बोलने का आपको, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में लॉस करके ही सीखने आएँ, अगर स्टॉक मार्केट में कदम उठाना है और पहले सीख लें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। वेरी नाइस क्या मैसेज है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ फ्रेशर्स को आना चाहिए, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग जॉब करना सीखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी है, कितनी बेरोज़गारी है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में उनको तो यही नहीं पता कि जॉब कल रहेगी नहीं रहेगी, बॉस कब नाराज़ हो जाएगा, कब जॉब छूट जाएगी, कब किस इंडस्ट्री में एकदम मंदी आ जाएगी, कब जॉब छूटनी पड़ेगी मालूम ही नहीं है। तो वो लोग अगर करना चाहते हैं 5,000, 10,000, 20,000 से काम चालू हो सकता है इस मार्केट के अंदर में, अगर आपको ट्रेनिंग करना पड़े, कहीं पढ़ने जाएंगे वहाँ भी तो कुछ फीस लगती है ना, कोई कोर्स करते हैं, कोई एजुकेशन लेते हैं कॉलेज की स्कूल की, वहाँ भी फीस लगती है। तो अगर इसको इंस्टीट्यूशन बनाना है, इसको एक लाइफ बनानी है, इसको करियर बनाना है, तो यहाँ पे फीस देके अगर कोई चीज़ स्टार्ट होती है एज ए फ्रेशर, तो नथिंग लाइक इट। क्या ज़रूरी है कि पहले 5 लाख का लॉस करूँ फिर सीखने के लिए 50,000 खर्चूँ, तो आज ही 50,000 खर्चूँ सीखने के लिए तो 5 लाख का लॉस बच जाएगा, हो सकता है भाई ना, इस क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया कोचिंग दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया सर, हाँ सर, के सबका कितना भी क्वेश्चन हो है, कभी कंटालते नहीं, सुनने वाला कंटाल जाए, लेकिन आप जवाब देने में नहीं कंटालते हैं। बहुत बोलता हूँ, नहीं नहीं बहुत बढ़िया बोलते हैं। थैंक यू। हम लोग बहुत क्वेश्चन पूछा लेकिन आप कभी कंटाले नहीं। मैं एकदम फ्रेशर हूँ, पहले आपको पूछा था फ़ोन करके यूट्यूब में देख के कि मैं फ्रेशर हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन आपने बोला आ जाओ आप, वादा नहीं आएगा, तो अभी बहुत बढ़िया रहा, और मैं चाहूँगा कि अगले गुजरात में कुछ होएगा तो मैं दूसरी बार भी आऊँगा। और सबको सजेस्ट करता हूँ कि विपुल सर का इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, प्रॉपर जगह पे आ जाओ, खाली पैसा मत बिगाड़ो, विपुल सर के पास आ जाओ, सबसे बढ़िया वही रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लवली, थैंक यू। अभी सर मैं पिछले एक साल से ट्राई कर रहा था आपसे मिलने के लिए, पिछले जनवरी में आपसे बात किया था मैं सर कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ, उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं इस समय मैं रहने वाला इस बिहार से हूँ और मैं बड़ोदरा में जॉब कर रहा हूँ अभी। तो फिर आपका राजकोट का सेशन चालू हुआ था, मैं इसमें अपने ये सेमिनार के लिए वो किया, आपसे बात भी किया था उसके लिए। तो अभी मेरे को क्या था कि इसमें जॉब छोड़ने का मेरा वो हो रहा था, तो फिर मेरे डिसीजन मैं नहीं ले रहा पाता, जॉब छोड़ रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि जॉब छोड़ा फिर बाद में कुछ नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं लंबे टाइम से पीछे बैठ गया था। अभी मैं यहाँ फायर फाइटिंग में काम करता हूँ, सुपरवाइज़र हूँ वहाँ पे, तो अभी लग रहा है कि अभी मैं ऐसे स्विच कर सकता हूँ जॉब और इसमें अपना करियर बना सकता हूँ। डिसीजन ले पाओगे? यस सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी, मेरा नाम शैलेश चौधरी है, मैं थराज से आ रहा हूँ, मतलब यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। मैंने एक बार ये जो किया हुआ है वो 35,000 के करीबन कुछ भी थी, और इसके बाद में हमने उसने दूसरी बार बुलाया तो ये ऑप्शन चेन वगैरह सब सिखाने के लिए इसने 11 लाख रुपया मांगा था। 11 लाख रुपया? हाँ, 11 लाख का कोर्स था, उसमें कुछ डिस्काउंट दिया था, लेकिन कोई वजह से मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, लेकिन बाद में क्या कुछ लगा ऐसा तो मैंने छोड़ दिया। और मेरे साथ ये शैलेश भी था, वो भी साथ में, उसने भी लेके छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, इतनी कम फी में हमको इतना बहुत सीखने के लिए मिला। और ये मैं YouTube पर से जाना था और पहली बार ही वीडियो देखा और पहली बार ही सर का फ्रेंड बन गया मैं। बहुत शुक्रिया। अभी लग रहा है कि वो 11 लाख वाला कोर्स ना करके गलती तो नहीं की? नहीं, बहुत अभी तो मेरे को ऐसा लगा कि ये नहीं किया तो भी अच्छा था, वरना तो मेरा पैसा डूब जाता है, और अभी ये वो पैसा मैं ट्रेडिंग में लगाऊंगा और भी इसमें पैसा कमाऊंगा। बहुत बढ़िया। कोई और दिल खोलना चाहेगा? यस, जी, कम से कम लोग क्लास में क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ तो बात कर लेते कम से, है ना। मेरे क्वेश्चन सब सोली हो गए, सबने पूछ लिया तो मैं क्या पूछूं, इसीलिए। मेरा नाम सुरेश है, मैं सर का फॉलोअर हूँ, और आपने जो मास्टर की याद दे दी है, ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ, जो ऑप्शन चेंज के नाम पे सीक्रेट जो दे दिया है, वही जानने के लिए आए हैं, तो क्या है ऑप्शन चेंज में।
ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम विशाल है और मैं ये रिपीट कोर्स कर रहा हूँ सर का, और मेरे जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए सर ने, बहुत सिंपली एक बढ़िया अर्निंग रास्ता दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी। मेरा नाम कार्तिक है, मैं कच्छ से आ रहा हूँ। 2008 से ट्रेडिंग चालू किया था, वो मार्केट जब गिरा था उसी टाइम में मैं उससे पहले एंटर हो गया था जी, जी, जी। लेकिन पैसा सब चला गया, फिर छोड़ दिया। फिर 2012 में चालू किया, कोई एजुकेशन नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही चालू कर दिया था। फिर 12 में भी ऐसे ही हुआ, मार्केट में कुछ मिला नहीं, ऑप्शन में सब बर्बाद कर दिया। फिर अभी लास्ट 6 महीने से इनके साथ चालू किया है। ये तो बहुत रिस्की आदमी है सर, उनके पास पैसा है इसलिए रिस्क नहीं, बात ऐसे का नहीं है, दोबारा स्टार्ट किया फिर रिस्की स्टार्ट किया हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वेरी नाइस। फिर लास्ट 4 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, अभी उससे मैंने प्रॉफिट बनाया है, लॉस नहीं किया है। थैंक यू सर, मजा आया, आगे मजा आया सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, और बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, और उम्मीद है कि ऑप्शन चेन का जो राज अपने साथ लेके चल रहा हूँ आपको देने में कामयाब हुआ हूँगा, ठीक है। और ये भी उम्मीद है कि हर सबको खुश करना भी मुश्किल है ना, बट कोशिश है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश कर पाऊँगा, है ना। एक बहुत बड़ी कहावत है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी सेल आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम बेचना चाहिए सबको खुश करना है तो। बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस नॉलेज को इम्पार्ट करके आपके साथ शेयर करके जितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोर सकूँ, बिखेर सकूँ, वो मेरी कोशिश है। आई होप माई मैसेज इज क्लियर, है ना, है ना, वेरी नाइस। लगता है स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल है, लगता है स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल है, रिकमेंडेशन दे सकते हैं अब, लगता है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।